alaikum everyone, welcome to VocabGram, you learn English with easy lessons. And in this lesson, we are going to learn vocabulary for spoken English. Sometimes, such moments in our life when we need to express our dislike or display it towards something or someone. उस वक़्त हमें क्या वोैब्ररी वर्ड्स चाहिए होते हैं जब हम ये एक्सप्रेस कर सकें कि ये चीज़ हमें सख्त नापसंद है या थोड़ी नापसंद है मतलब उसकी इंटेंसिटी भी बता सकें समटाइम्स किसी इंसान के लिए हमें एक्सप्रेस करना होता है किसी बिहेवियर के लिए एक्सप्रेस करना होता है किसी चीज़ के लिए एक्सप्रेस करना होता है कि ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है या मेरे अंदर इसके लिए कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं है तो उसके लिए हमें क्या अप्रोप्रिएट वोकैब्ररी जो है वो चाहिए होती है तो वो आज हम उस वोैब्रोरी को सीखेंगे ठीक है तो चलें जी स्टार्ट करते हैं him. हमारा पहला वर्ड है वो है जी अबहर अबहौर का मतलब होता है टू टू हेट अ वे ऑफ बिहेविंग और थिंकिंग ठीक किसी इंसान की किसी बिहेवियर को किसी सोच को किसी अंदाज को आपने ये कहना हो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट होती हैं ठीक है मोरालिटी के अगेंस्ट होती हैं उसमें अगर आपने इजहार करना है कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है ये बहुत बुरी बात है या बहुत गलत बात है या बहुत ही नकबले मतलब क्या कहेंगे नकबले एतराफ नहीं जिसको आप एक्सेप्ट ना कर सकें अनएक्सेप्टेबल जिसको आपने कहना हो ठीक है तो उसको अगर आपने बोलना है इंग्लिश में तो उसके लिए आप ये वर्ड अबहर जो है वो यूज़ कर सकते हैं जैसे इसका सेंटेंस है आई अबहर एनी फॉर्म ऑफ क्रोलिटी टूवर्ड्स एनिमल्स ठीक है दुनिया में कितने भी एनिमल्स लवर्स होते हैं अगर आप एनिमल लवर नहीं भी हैं फिर भी एज ए ह्यूमन बींग आपको आप जाहरी बातें अबहर करेंगे अगर किसी जानवर के साथ किसी किस्म का कोई क्रुलिटी हो रही है कोई वायलेंस हो रहा है ठीक है तो आप अबहोर करेंगे इसी तरह से आप किसी भी सोशल इशू के बारे में कह सकते हैं कि कोई भी इस जहाँ पर आपको लग रहा है कि अनजस्टिस हो रहा है या मॉरली रॉन्ग चीज हो रही है और वहां पर आपने ये कहना है कि मुझे ये सख्त नापसंद है ये चीज तो वहां पर आप अबहोर कह सकते हैं ठीक है थीके? इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं आई अबहर एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं या मिनोरिटीज़ के खिलाफ वायलेंस के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में आपने जो मोरलिटी के आपको अगेंस्ट लगती है जो आपको लगता है कि बहुत या किसी की सोच के बारे जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है आप उसके लिए भी अबहर वर्ड यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो किसी तरह की भी डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर थिंकिंग जो मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो चीज़ें चल रही होती हैं कहाँ पर अगर आपने डिसलाइक का इजहार करना है तो इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी डिटेस्ट डिटेस्ट का भी मतलब होता है टू डिसलाइक इंटेंसली किसी चीज़ के बारे में आपने कहना है मुझे सख्त ना पसंद है ये चीज़ वो कोई फूड हो सकता है कोई टेस्ट हो सकता है कोई म्यूजिक हो सकता है कोई कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं पसंद है और आपको सख्त पसंद है हो सकता है कोई रेस्टोरेंट नहीं पसंद है आपको कोई जगह नहीं पसंद है आपको कोई कलर नहीं पसंद है आपको किसी तरह के भी कोई पर्सनल आपकी आपकी जो मतलब डिसलाइकनेस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप डिटेस्ट जो है वो वर्ड यूज कर सकते हैं जैसे कि शी हैड ऑलवेज डिटेस्टेड दि फम्पस एटमॉसफेयर ऑफ फॉर्मल सोशल इवेंट्स देखिए जो फॉर्मल किस्म के जो सोशल इवेंट्स होते हैं ना वहाँ पर आप देखिए कि बड़ा पम्पस किस्म का एटमोसफेयर होता है बड़ा एक तकबर वाला जो है ना वो एटमोसफेयर होता है मैं ये नहीं कहती सब ऐसे होते हैं नहीं लेकिन आपको ऐसी जो सिटिंग्स हैं ऐसी जो इवेंट्स होते हैं वहां पर आपको एक एटमोसफेयर ऐसा मिलता है जहाँ पर लोग बहुत तकबर में होते हैं ठीक है तो आप उसको डिटेस्ट कर सकते हैं कि मुझे सख्त नापसंद है इस तरह का एटमोसफेयर या इस तरह के लोगों की कंपनी नापसंद है मुझे ठीक है तो आप वहां पर ये वर्ड कि आई डिटेस्ट सच काइंड ऑफ इवेंट्स या आई डिटेस्ट सच काइंड ऑफ फॉम्पस पीपल मतलब जो बड़े बहरूर तरह के जो लोग होते हैं जिनमें एक तकबुर होता है कि हम कुछ हैं जी और बाकी हमसे कम हैं तो वहाँ पर आप ये डिटेस्ट जो वर्ड है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सप्रेस करने के लिए अपनी अपनी डिसलाइक को अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है वह है जी रिफग्ट रिफग्न जो है ना वो हम यूज़ करते हैं जब आप किसी चीज़ के बारे में कहते हैं कि ये चीज़ ना अनएक्सेप्टेबल है मतलब कि इसको कबूल नहीं किया जा सकता है ठीक है ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है जब आपने किसी चीज के बारे में इस तरह का इजहार करना है कि ये चीज अनएक्सेप्टेबल है तो वहां पर आप रिफग्नेट कह सकते हैं जैसे आप इसका जो सेंटेंस से है दी डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स ही मेड वर ठीक है किसी ने भी कोई डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं वो वाले रिमार्क्स जहां पर आप भेदभाव कर रहे होते हैं ठीक है किसी भी बुनियाद पर आप जेंडर की बुनियाद पर कर रहे हैं कास्ट की बुनियाद पर कर रहे हैं लैंग्वेज की किसी भी बुनियाद पर इवन हमारे जो माशरे में स्किन कलर की बुनियाद पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है ठीक तो कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स जो है वो अगर किसी ने दिए हैं इस तरह के, के वो वो तो तो काला है 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 या या काली तो ऐसा है, इस तरह करके जो हम देते हैं रिमार्क्स तो वहां पर आप कह सकते हैं कि रिमार्क्स ही मेड वर्ड एप्सोलूटली रिपग्नेंट मतलब रिपगन का मतलब कि वो इस तरह की जो बातें हैं इस तरह के कॉमेंट्स इस तरह के जो रिमार्क्स हैं वो अनएक्सेप्टेबल है उसको कबूल नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट हमारे पास भाई जी लोथ लौथ जो है इसको भी इसका भी यही मतलब है एक इंटेंस डिसलाइक आप डिटेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को तो आप बहुत ज़्यादा ना सख्त नापसंद कर रहे हैं उस चीज़ को और अगर आप लोथ कर रहे हैं तो भी आप सख्त नापसंद कर रहे हैं ठीक है दोनों वर्ड्स में आप यही बता रहे हैं कि ये चीज़ आपको सख्त नापसंद है आपको बहुत बुरी लगती है जैसे कि इसका सेंटेंस है आई ट्रूली लोथ हैविंग टू वेक कवर ली ऑन वीकेंड्स ठीक है हम में से सब लोगों का यही हाल है कि हम इस वीकेंड्स पे सुबह जल्दी उठना जो है ना वो इट ट्री लोध हमें सख्त नापसंद है कि हमें वीकेंड्स पे जो है वो सुबह सुबह जल्दी उठना पड़े अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है वह डिस्पाइज डिस्पाइज का भी यही मतलब होता है कि आप किसी चीज को या किसी इंसान को आ, नापसंद कर रहे हैं और वो इस वजह से नापसंद कर रहे हैं कि आप समझते हैं कि वो चीज की जो हैसियत है ना वो इतनी अच्छी नहीं है मतलब आपकी जो ओपिनियन है ना उस चीज के बारे में वो काफी लो है आप उस चीज़ को अच्छा नहीं समझते हैं ठीक है इसको भी सख्त नापसंद के मीनिंग में आप समझ लीजिए डिस्पाइज करना किसी चीज़ को जैसे कि आई डिस्पाइज द वे शी मैनिपुलेट्स अदर्स टू गेट हर वे मतलब मैं उसको डिस्पाइज करती हूँ या उसको लोद करती हूँ या उसको डिटेस्ट करती हूँ या करता हूँ बिकॉज के उसके अंदर एक मैनिपुलेटिंग मतलब उसकी आदत है और वो दूसरों को मैनिपुलेट करके मतलब उनको थोड़ा सा वर्गला के मैनिपुलेट का मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ माइंड गेम्स खेलें माइंड गेम्स के थ्रू जो ना किसी इंसान से अपनी मर्जी का काम करवा लें तो वो मीनिपुलेट करना होता है ठीक तो वो मिनिपुलेट करती है दूसरों को टू गेट हर वे मतलब अपना काम गेट हर वे का मतलब ये अपना रास्ता निकालना या अपना काम निकलवाना ठीक नेक्स्ट हमारे पास है वह जी अवर्जन अवर्जन का भी मतलब यही होता है लेकिन डिसलाइक करना फीलिंग ऑफ डिसलाइक लेकिन जहाँ पर आप अनविलिंगनेस जो है वो इस जो मतलब यूज़ करते हैं कि आपका दिल नहीं है किसी काम को करने को जैसे हमने जो ना सुबह उठने के बारे में लो यूज़ किया है अवर्जन भी कर सकते हैं मतलब सुबह उठना नहीं आपका दिल कर रहा है ठीक है इसी तरह से किसी और चीज़ के लिए भी जहाँ पर आपने ये शो करना है कि आप अनविलिंग है आपका दिल नहीं कर रहा है तो वहां पर अवर्जन दिल नहीं करता किसी चीज़ को या किसी काम को करने को वो तभी होता है जब आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं ठीक है ना आपको अच्छी नहीं लगती है वो चीज़ तो यहाँ पर सेंस अवर्जन में आती है अनविलिंगनेस की जैसे कि इसका सेंटेंस है आई हैव अ डीप अवर्जन टू पब्लिक स्पीकिंग अब कुछ लोगों को पब्लिक स्पीकिंग जो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं उनको नहीं पसंद होती है पब्लिक स्पीकिंग या उनको सोशलाइज़ करना नहीं पसंद होता है तो वो अव, मतलब उनके अंदर इस चीज़ के लिए अवर्जन होती है ठीक कि वो उन आप, वो अनविलिंग होते हैं वो करना नहीं चाहते हैं उनके अंदर से वो चीज़ नहीं आ रही होती है कि हाँ भी मैं मैं ये काम करूँ कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है जो जो थोड़े एक्स्ट्रो टाइप के लोग होते हैं उनको पब्लिक स्पीकिंग सोशलाइज करना बहुत पसंद होती है वो खुश रहते हैं लोगों के दरमियान में लेकिन जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होंगे तो उनके अंदर ये एक डीप फीलिंग ऑफ अवर्जन होती है इन कामों के लिए ठीक है उन, उनके दिल नहीं करता है नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी डिस्टेन डिस्टेन uh, का भी मतलब होता है द फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज अनवर्दी ऑफ वंसिडरेशन और रिस्पेक्ट डिस्टेन का मतलब ये है कि जिस चीज को आप काबिल एहतराम ना समझें ठीक है उस चीज़ को आप किस चीज़ को जिसको आप कोई वैल्यू ना देते हो किसी किस्म की कोई रिस्पेक्ट ना देते हो तो उसके लिए आप डिस्टेन वर्ड यूज़ करते हैं जैसे हिज डिस्टेन फॉर मॉडर्न आर्ट इज़ वेल नोन मतलब वो मॉडर्न आर्ट को पसंद नहीं करता है मीन्स कि कोई आर्टिस्ट होता है ना अब कुछ लोगों को क्लासिकल टाइप की जो ना वो आर्ट फॉर्म्स पसंद होती हैं हियर कुछ आर्टिस्ट होते हैं कि वो इतना डीपली उन्होंने आर्ट को जो है वो स्टडी किया होता है कि उन, उनको जो मॉडर्न और कमर्शियल टाइप्स ऑफ जो आर्ट्स होते हैं वो उन्हें नहीं पसंद होते और वो उसको डिस्टेन करते होते हैं मतलब कि वो उसको वैल्यूएबल नहीं समझते हैं वो उसको रिस्पेक्टेबल नहीं समझते हैं ठीक है तो जहाँ पर आप किसी चीज़ को वैल्यूएबल या रिस्पेक्टेबल नहीं समझते हैं वहाँ पर डिस्टेन वर्ड जो है वो यूज किया जा सकता है अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास अब है जी रिवर्जन रिवर्जन का भी मतलब है एन इंटेंस डिसलाइक बहुत सख्त नापसंदीदगी जहाँ पर आपने इजहार करना है जैसे कि द थॉट ऑफ कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स एज अ फूड सोर्स फिल्स मी विद रिवर्जन ठीक है ना आपने शायद ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पर देखी हो जहाँ पर लोगों को दिखाया जाता है कि वो इंसेक्ट्स जो है ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं इसको खाया जाता है और जाहिर बात है उसको वक्त बड़ी कराहत महसूस होती है ऐसी वीडियोस को देख के मतलब आपको नहीं पसंद है ठीक है ना तो वहां पर वो जो कराहत के मीनिंग में रिवर्जन आपने यूज़ किया है कि एक फील्स में विद रिजन मीन्स के मेरे अंदर एक कराहत सी भर जाती है सख्त नापसंदीदगी इसी तरह से जैसे कुछ लोगों को हॉरर मूवीज से हो सकता है मतलब आम वन ऑफ दोज पीपल मैं हॉरर मूवीज़ नहीं देख सकती हूँ ठीक है तो आई फील विध रिवोलजन कि जब कोई हॉरर मूवीज या इस तरह से कुछ सामने आए ठीक तो कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है कि जो आपको सख्त नापसंद है आप उस, उस चीज़ को एक मिनट के लिए भी स्टैंड नहीं कर सकते हैं तो वो चीज़ जो है ना वो आप में एक फीलिंग ऑफ रिवल्जन जो है वो वो आपके अंदर पैदा करती है ठीक ओके जी फ्रेंड्स डिफरेंस यहाँ पे लेसन जो वो खत्म होता है आई होप कि इंटरेस्टिंग लेसन था आपने इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी सीखी है ना अच्छी नेक्स्ट लेसन अल्लाह हाफिज़